बाबा का रखा, क्योंकि सबसे पहला संबंधी आपका कौन है? कौन है? बाबा। तो सबसे पहले बाबा को ये पक्का करो, पहले बाबा। बोलो भाई, पहले बाबा। आता है? पहले बाबा, पहले बाबा को रखो। तो याद भी निरंतर बाबा की बनी रहेगी। और दूसरा फायदा क्या होगा? बाबा आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। जैसे अपना उदाहरण सुनाता हूँ कि अगर गांव के लिए आए तो हमसे पहले जो भाई थे, मतलब सूरज भाई, हरकम भाई, ये सब थे और बड़े भाई थे, सबको साथ बहुत अच्छा करते। तो इनके पास सब आकर बातचीत करते थे, अपनी बात पूछते थे, क्लास लिए कराते थे। और हम मधुबन में आए थे, हम भी योग कर रहे थे, पुरुषार्थ खूब कर रहे थे, लेकिन हमको क्लास कराने के लिए कहा ही नहीं आता था और ना कोई हमसे मिलने आता था। तो मेरे मन में संकल्प चलता था कि मैं भी तो इतना योग करता हूँ, मैं भी तो इतना पुरुषार्थ करता हूँ, क्यों नहीं मुझे क्लास है, क्यों नहीं लोग मेरे पास। अब ये अपनी बात किससे करें? तो उस समय ऐसा था, जो अव्यक्त बाबा आता था तो उससे जब चाहे तब मिल लो। अब ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी पार्टी आती थी, 25-30-50 का खाते या 60-70 हो, पार्टी बड़ी आती तो, और उसने 3 बार बाबा को आना, 70 के बीच में 3 बार बाबा को आना, तो सोचो कितना चांस होता था। तो हमने कहा था कि बाबा को ही बात बताओ। तो जा करके मैंने बाबा को कहा, बाबा आप कहते हो मान सान की इच्छा नहीं रखो, लेकिन बाबा ये इच्छा जाती नहीं है क्या? बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वो करेगा, बाबा मेरे साथ है, जरूर हमें आगे बढ़ाएगा, हम आगे जरूर बढ़ेंगे, कलम पहले भी बढ़े थे, ये सब पॉइंट लाते हैं, लेकिन बाबा संतुष्टता नहीं होती, बार बार संकल्प आता है। तो बाबा ने कहा क्या मान सान चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ बाबा चाहिए। तो बाबा ने कहा एक काम करो, तुम हर बात में बाबा को आगे रखो, बाबा